बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए साचे दरबार की जय। तो कल आप लोगों ने 52वां अध्याय सुना और 52वां अध्याय में आपने जाना कि श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहीं परमात्मा है। दूसरे आत्मा और परमात्मा का मिलन ही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। कुछ लोगों ने जो लोग नित्य नियम से हमारे पाठ सुन रहे हैं, हमने अभी काशीपुर में वार्षिक भंडारे पर जो प्रश्न उत्तर किए थे, उसमें से केवल 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों के उत्तर हमें मिले और वो भी एक बच्चे ने ही दिए, बाकी किसी ने नहीं। इससे लगता है कि हमारे द्वारा सुनाया गया ये पाठ या तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो आप याद नहीं रखते। देखिए, पाठ समाप्ति की तरफ है। 10 या 12 हद हो गए तो 15 भागों में ये पाठ समाप्ति की तरफ हो जाएगा। और फिर आप लोगों से एक दिन 11 जनवरी में फिर प्रश्नोत्तर किया जाएगा शेष पाठों से। इसलिए सभी ध्यानपूर्वक सुने, खास खास पॉइंटों को हमेशा नोट कर लें और वक्त आने पर 11 जनवरी को जब दीक्षा दिवस हमारा भंडारा होगा तो उसमें फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार 2 प्रश्नों का उत्तर शिवानी प्रजापत काशीपुर ने हमें दिया, बड़ी खुशी हुई और हमने उसको पुरस्कृत भी किया। जैसा कि हमने कहा था, आगे भी 3 प्रश्न 11 जनवरी में पूछे जाएंगे और जो भी भक्त उन 3 प्रश्नों में से 3ों का या किसी 1 या 2 का उत्तर देगा उसे भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक पाठ को सुनते रहें और खास खास पॉइंटों को एक कागज़ पर नोट करते रहें और फिर उसे बार बार दिमाग में रिपीट करते रहें तो आप निश्चित ही, मैं समझूंगा, असली पुण्य के भागी हैं। देखिए, गिफ्ट देना तो एक मात्र आप लोगों को रास्ते पर लाना है। असली गिफ्ट तो यह है कि जब आपकी दिमाग में अपने दादा गुरु महाराज जी की समस्त बातें बस जाएंगी तो मैं समझता हूँ वो इंसान बड़ा धन्य है। और जिसके जीवन में जिसके गुरुदेव समा गए हों फिर उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हुए 53वां पाठ। एक रोज श्री बाबा रामदास जी ने अर्ज किया कि जब से श्री महाराज जी ने इस तुच्छ को अपनी शरण में लिया है, न तो अपने पास हाजिर रहने की इजाजत दी है और न बिल्कुल आजाद रहने का हुक्म सादर फरमाया, बल्कि यह जो नवाब साहब के लड़कों को पढ़ाने की खिदमत सिपुर्द की है, इससे तो तबीयत बहुत बेजार रहती है और दिल आजाद होने को चाहता है। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि बाबा साहब, और जो चाहो सो ले लो, मगर आज़ादी न मांगना। यह मुश्किल बात है, इसको लेना हरेक का हौसला नहीं। हमको भी आज़ादी की धुन सवार हुई थी और आज़ादी के पीछे बहुत दिनों तक भागते रहे, मगर आज हासिल हुई तो यह आज़ादी हासिल हुई कि जहाँ कोई बिठाता है वहीं बैठना पड़ता है।
गोया हर तरह से दूसरे की पाबंदी है। जब आजादी खुद ही आजादी है तो वह किसी को हासिल भी कैसे हो, क्योंकि अगर हासिल हो तो वह खुद आजादी नहीं रहती। इसलिए अपने मन के मुताबिक काम करने का नाम आजादी नहीं, बल्कि आजादी वह है जिसमें अपने जिम्मे किसी बात का फिक्र न रहे, सब कार्यों से पूर्णतः आजाद हो जाए, कोई और ही अपने कर्मों का कर्ता हो जाओ, जब तक इस बात की चाह है कि यह करें और वह न करें तब तक आजादी कहाँ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कुछ ना चाहिए सो ही सहनसाह। अगर इस मामले में आप हमारी राय लेते हैं तो हम चार बातें कहते हैं। अव्वल यह है कि या तो बिल्कुल अवधूत हो जाओ, न खाने की फिक्र न पहनने का गम, जैसे श्री दत्तात्रेय जी थे, अगर किसी ने दे दिया तो खा लिया वरना हरी इच्छा। दूसरे, अगर नौकरी करनी है तो उसमें तनख्वाह की फिक्र न करो, तनख्वाह 100 रुपये माहवार मिले, ख्वा 1 रुपया माहवार मिले, बस काम करने को अपना फर्ज समझ लो, क्योंकि अगर तनख्वाह की कमी बेसी या मिलने न मिलने की वजह से नौकरी छोड़ते हो तो बताओ कि नौकरी छोड़ने पर आपको कहाँ से तनख्वाह मिलेगी। फिर जिस व्यय और ख्वाहिशात से तंग आकर नौकरी छोड़ते हो तो फिर उसके पूरा होने का सामान कहाँ से मुहैया होगा, आखिर कहीं और मुलाजिमियत करनी होगी, फिर उससे यही क्या बुरी है। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात को काबू में कर लिया और बगैर रुपए पैसे के काम चला सकते हो तो फिर तनख्वाह की फिक्र अनुचित है। मिले तो वाह वाह और ना मिले तो वाह वाह, क्योंकि फकीरी में भी कोई तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, बिना तनख्वाह ही गुजारा करना होगा, फिर एक मुलाजिमते बिला तनख्वाह को ही फकीरी समझ लो। जैसे फटा पुराना कपड़ा मैसर आवे पहनो, अगर कोई टोके तो जवाब दो कि जैसा मालिक से मिला है वैसा पहनते हैं। अगर इससे अच्छा पहनना मंजूर है तो इससे अच्छा दे दो। तनख्वाह वगैरह न मिलने की वजह से या किसी और तकलीफ से मुलाजिमत छोड़ना इस बात को जाहिर करता है कि या तो रुपए की पाबंदी है या किसी और बात की आज़ादी का दिन दूर है। तीसरी बात यह है कि अगर पढ़ाने का शौक है तो यतीम बच्चों को पढ़ाओ ताकि उनका उद्धार हो और आपकी तरफ से परोपकार और फकीरों का यह काम भी है। चौथी बात यह है कि फिर जैसा तुम्हारा जी चाहे वैसा करो, ग्रस्त बनना चाहते हो तो शादी कर लो और हमारी तरफ से भी इजाज़त है। अर्थात हम नौकरी के लालच में कार्य करते हैं और भक्ति का मार्ग ऐसा है यह बिना लालच के उस परमात्मा की नौकरी की जाती है, सेवा की जाती है। स्वार्थ नहीं होता कि मुझे इतना धन मिलेगा। साधु संतों को कोई तनख्वाह नहीं देता लेकिन वो रात दिन उस परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं। अर्थात क्या किसी साधु संत के जीवन में परमात्मा किसी चीज़ की कमी करता है? वो कभी नहीं करता। जब निस्वार्थ भाव से हम उसकी भक्ति करते हैं, जब हम बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के उस परमात्मा का रात दिन पूजन करते हैं तो वो भी हमारी हर पल चिंता करता है और वो हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। एक रोज इरशाद हुआ कि सुखदेव जी को तपस्या के प्रताप से उत्थान श्रेष्ठ हासिल हुआ और हरि के धाम में पहुँचे तो विष्णु जी महाराज ने कहा कि हे ऋषि, तुम नुगुरे हो, गुरु के न होने से तुमको तप का अभिमान हो गया है, तुम वापस जाओ और गुरु धारण करो, वह तुमको ठीक रास्ता बता देगा। सुखदेव जी ने गुरु की पहचान पूछी, यह जवाब मिला कि गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कुछ काम ना आवे आए, सत्य पुरुष का कहे संदेशा और जन्म जन्म का मिटे अंदेशा, पाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अक्षय पुरुष की छाई, भ्रंगी मति होवे जी पासा,
सोई गुरु सत्य सुनो सुखदासा। जो रहत घर बतलावे सो गुरु साचा जानिए, तीन तज मल आवे चौथे तासो वचन प्रमाणे। पांच तीन आधीन काया न्यार सप्त विदेही ही, देह माही विदेह दर्शे गुरु माता निज ए ही। उस नुगरे करे बनावे फिर न जग दही धरे, नहीं आवे नहीं जावे जी सतगुरु दया करे। सुखदेव जी ने वापस आकर महाराज जनक विदेही को गुरु बनाया और फिर रास्ता पाया। इस मौके पर कोई भक्तों के दिल में कुछ ख्यालात पैदा हुए तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर एक आदमी के स्फुट कुछ काम है और उसमें उसको कुछ ना कुछ अधिक अधिकार भी दिया गया है। अगर किसी को उस काम में प्रयोजन है तो उस शख्स से तल्लुकात करना पड़ेगा, अगर उस काम से प्रयोजन नहीं तो उस शख्स के भी वास्ता और इत्तेहाद मिलन की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि गुरु की तारीफ में इस तरह इस जगह बयान किया गया है कि वह पांच तत्व तीन गुणों और चार अवस्थाओं का साक्षी और विदेह मुक्त हो, उसमें भृंगी कीड़े का सा गुण हो कि जिसको चाहे अपना सा कर ले, ऐसे गुरु अगर कृपा करें तो जन्म मरण यानी आवागमन से रिहाई हो जावे। यानी सुखदेव जी को जताया गया कि तुमको अभी तप का अभिमान नहीं मिटा है, यहाँ वैकुंठ धाम में उसी का प्रवेश होता है जिसमें उपयुक्त बातें हों, इसलिए पहले तुम इन बातों को हासिल कर लो यानी अपनी हस्ती तक मिटा दो, तब इस जगह कदम रखने के लायक होंगे। मुख्य बात अपने को मिटाना है और जिस तरह आदमी चाहे मिटा सकता है। कहने का भाव, जब तक हमारे शरीर के अंदर अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मैं ये हूँ मैं फलाना हूँ, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। और जिस दिन हम अपने आप को मिटा देते हैं उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक रोज इरशाद हुआ कि अगर कोई गृहस्थी किसी फकीर से जाकर दरख्वास्त करे कि बाल बच्चों को छोड़ने और फकीरी कबूल करने में क्या मजा है, तो फकीर कहता है कि साक्षात खुदा या भगवान का दर्शन नजर आता है। और वह गृहस्थी वैसा ही अमल करता है, यानी अपनी सरल प्रकृति से यह ख्याल नहीं करता कि इसने खुदा नारायण के दर्शन नहीं किए तो मुझको कहाँ से मैसर होंगे। यह स्वाभिमान खुदी और ग्रहण त्याग की बुद्धि गिरफ्तार है। दिली इरादा ऐसे फकीरों का यह होता है कि इनकी औलाद में तरक्की हो और आम व खास में यह मशहूर हो कि फलाना संत अनुयायी है। फकीर बनना दिल ही दिल में दर्प की आग में जलना है। असल फकीरी स्थूल व सूक्ष्म दीन व दुनिया को त्याग करना है। स्थूल यह है कि फला दुश्मन है, जब उसको छोड़ दिया तो सूक्ष्म में गिरफ्तार हुआ और यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं बड़ा परम ज्ञानी हूँ, इस कदर पदवियाँ मैंने त्याग की है, अगर मैं चाहूँ किसी को समाप्त करूँ, किसी को दौलत दूँ या काबिल या कालिब शरीर से जुदा होकर वसीयत में जाऊँ, परमात्मा को मुझसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रिय नहीं है, ऐसे ख्याले बेहूदा के होकर वांछित प्रभु से महसूस रहता है। अगर कोई गौर से देखे तो यह तमाम ऐश्वर्य जिनको अपना समझता है, जब तक आँख खुली है तब तक है अपना, जरा आँख बंद होने से सब बेनिशा हो जाता है। जब ये बेनिशा है फिर त्याग किस चीज़ का करते हैं। बहरहाल यह यकीन करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं और न कोई मेरे से हुआ। त्याग में वैराग्य इसी का नाम है। अर्थात हम सोचते हैं कि त्याग कर दिया और हम साधु बन गए, तो आप सोचिए जो चीज़ हमारी है ही नहीं, जो चीज़ परमात्मा की दी हुई है और वो परमात्मा जब चाहे हमसे ले सकता है, तो हम त्याग किस चीज़ का करते हैं। ये बीबी बच्चे सब भगवान के हैं, घर मकान सब भगवान के हैं,
ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये धन दौलत भगवान की दी हुई है, फिर भला हमारी क्या विसात जो दूसरे की अमानत को हम कहें कि हमने इसका त्याग कर दिया। अर्थात अगर त्याग करना है तो अपने अंदर से तमाम बुराइयों का त्याग कीजिए, अगर त्याग करना है तो अपने अहंकार का कीजिए, और अगर त्याग करना ही है तो अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार का त्याग कीजिए, तभी आप पूर्ण साधु बन सकते हैं। और जिनके अंदर ये पांचों चीज़ें विद्यमान होती हैं, घर छोड़ने से या माया छोड़ने से या मकान छोड़ने से त्याग नहीं होता। त्याग तो असली वही है जिसने पांचों चोरों को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, असली साधु वही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवास श्री भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।